तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दो ऐसे फोन को कंपेरिजन करने वाले हैं और दोनों ही एक ऐसे ब्रांड है जो अपने यहाँ पर एक जो फ्लैगशिप फोन होते हैं उनको काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, काफी बढ़िया इनका प्राइस सेगमेंट होता है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं ओप्पो के F17 Pro, जो कि हाल फिलहाल बहुत जल्दी इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके कंपेरिजन हम करते हैं सैमसंग के A71 से। काफ़ी बढ़िया फीचर्स दोनों ही फोन में आपको देखने को मिलते हैं और ओप्पो F17 Pro के फीचर्स यहाँ पर थोड़े र्यूमर्स के हिसाब से हैं, तो यहाँ जिस ही फोन लॉन्च होगा बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिकेशन भी आपको शो कर दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले टाइप की बात करें, यहाँ पर हम 6.44 इंच का डुअल पंच होल आपको ऊपर ओप्पो F17 Pro में देखने को मिल सकता है। वहीं डिस्प्ले साइज जो थी A71 की वो 6.7 इंच के साथ पंच होल यहाँ पर आपको देखने को मिला था। डिस्प्ले टाइप जो है दोनों ही फोन का, यहाँ पर आपको ओप्पो F17 Pro में सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। वहीं बात करें अगर A71 की, यहां पर भी आपको सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। रीनो 4 प्रो से काफी बढ़िया सिमिलर से यहां पर स्पेसिफिकेशन आपको F17 Pro में भी देखने को मिल जाएंगे। प्रोटेक्शन जो डिस्प्ले की है, यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको F17 Pro में देखने को मिलती है। सैमसंग A71 में भी यही हमें प्रोटेक्शन देखने को मिली थी, काफी बढ़िया। और आपको फुल डिटेल रिव्यू अगर देखना है तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कैमरा फीचर्स की बात करें तो कैमरा यहाँ पर काफ़ी एक्साइटिंग फीचर्स के साथ आजकल कंपनी अपने फोन में रखती है। तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट हमें यहाँ पर F17 Pro में देखने को मिल सकते हैं। वो इसलिए 64 यहाँ पर एज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि रेनो 4 प्रो के अंदर भी हमें 48 मेगापिक्सल यहाँ पर मिला है। A71 की बात करें, 64 का प्राइमरी लेंस, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है और 5-5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट यहाँ पर आपको सैमसंग के A71 में मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में ड्यूअल सेल्फी यहाँ पर हमें F17 Pro में मिली है, जिसमें कि प्राइमरी लेंस जो है वो 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और 8 का वाइड अल्ट्रा वाइड एंगल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर सिंगल सेल्फी के साथ 32 मेगापिक्सल आपको यहाँ पर A71 में देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बढ़िया है दोनों ही फोन का यहाँ पर, क्योंकि एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड दोनों ही फोन है यहाँ। तो एंड्रॉयड 10 के ऊपर मीडियाटेक हीलियो G95 हमें F17 Pro में देखने को मिल सकता है। और वहीं बात करें यहाँ पर स्नैपड्रैगन एंड्रॉयड 10 क्यू के साथ स्नैपड्रैगन 730 हमें सैमसंग A71 में मिला था। सैमसंग के अंदर स्नैपड्रैगन यहाँ पर सिर्फ बड़े फोन में माने सैमसंग के A71 में दिखा था, बाकी एक्सिनोस का ही हमें प्रोसेसर देखने को आया है। इसीलिए सैमसंग A71 थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर हम यहाँ पर मान सकते हैं। रैम और स्टोरेज की बात करें, 8 GB 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ हमें F17 Pro यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सिमिलर 128 GB आपको यहाँ पर A71 में भी मिल जाएगी। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें, 2 सिम स्लॉट आप यहाँ पर F17 Pro में यूज़ कर पाएंगे, लेकिन सैमसंग में 2 सिम स्लॉट के साथ 1 माइक्रोचिप कार्ड यहाँ भी आप यूज़ कर पाएंगे। मतलब अपने हिसाब से अपनी मेमोरी को एक्सपेंडेबल यहाँ पर सैमसंग A71 में आप कर सकते हैं। कैपेसिटी और चार्जर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी हमें F17 Pro में देखने को मिल सकती है और साथ साथ 30 वाट का फास्ट चार्जर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैपेसिटी और यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी के साथ 25 वाट का चार्जर हमें सैमसंग A71 में देखने को मिला था। दोनों ही फीचर्स काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन F17 Pro के अंदर जो मेन हाईलाइट करा उन्होंने उसका डिज़ाइन है, जो कि काफ़ी स्लीम से और काफ़ी लाइट वेट के साथ ये फ़ोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो होती है दोनों ही फ़ोन के प्राइस सेगमेंट की बात करें तो किस प्राइस पर आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है, तो प्राइस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से निकल कर आए, क्योंकि 8 GB 128 GB स्टोरेज है। उसकी कीमत यहाँ पर एक्सपेक्टेड यहाँ पर 25 से 30 हज़ार के बीच में बताई जा रही है। देखते हैं जैसे फ़ोन लॉन्च होता है क्या कीमत निकल कर आती है। और उसके बाद अगर A71 की बात करें तो ये फ़ोन आपको 8 128 GB 32,999 कीमत में करंट प्राइस में यहाँ पर अभी इंडियन मार्केट में मिल रहा है। 30,000 में ये भी आया था, लेकिन थोड़ा सा प्राइस इसके एक्सपेंडेबल है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ टेक हाउस की।